श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों बंदी छोड़ दिवस के मौके सिख पंथ दे नाम ते संदेश जारी किया गया। इस संदेश दे विच लिखा गया कि गुरु शब्द संदेश साडे लई असल दीवा है जो कि मन दे अंदर दे विच ज्ञान दी ज्योत जगा के गुणा चंगाइयां ते खोज खिदमत दे रतना दा भंडार दर्शन सामने करा दिंदा है। दिवाली दी रात गुरमुखां नूं उदों सुख फलदात है जदों गुरु शब्द दी संभाल करदे ने, जिवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर दे किले दे विचों 52 हिंदू राजे नूं रिहा करवा के श्री अमृतसर साहिब पुज्जे सन। इसी खुशी दे विच दीपमाला होई सी। श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब विखे बंदी छोड़ दिवस दी खुशी हर साल मनाउण दी परंपरा सदका ही इह दिहाड़ा सिख जगत अहम हो निबड़िया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादन वेले श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु साहिबाना तो इलावा हिंदू मुसलमान कथित नीवें श्रेणियों में समझे जाते वक्त इलाकों के भगत साहबान भट्ट साहबान गुरसिख महापुरखों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल करके धार्मिक सभ्याचारक विभिन्नतावान एक अकाल पुरख की छत्रछाज के हेठ एकत्र करने वाली अमृतमई गुरमत धारा का प्रवाह तुर जिसने संसार भर में सामना लोगों वक् वक् समाजों में समझदारी विकास विस्तार का ना दौर लिया का सुनहरी मौका प्रदान किया। विश्व भर के हथियारों की दौड़ धार्मिक असहनशीलता नफरत के वातावरण के गुरबाणी अनुसार सबना जिएगा एक दाता का संदेश सारे धर्मों के लोगों एक सूत्र के परो सकता है। संसार विच सिखां समेत समूह घट गिणतियां कथित पछड़े वर्गां किसानां ते मजदूरां दी जिंदगी तां ही सुखद मन्नी जा सकदी है जे उहनां नूं सस्ती ते चंगी विद्या सिहत सेवावां न्याय रोजगार दे मौके मिलण अते नफरत भरी वितकरेबाजी बंद होवे। लखमीरपुर खीरी वर्गियां घटनावां ने अन्याय ते कुशासन दीआं हद्दां पार कीतीआं ने जिन्हां नूं सुधारना सरकार देश अते लोकां दे लई अति जरूरी मुद्दा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल प्रकाश पुरब समागम का मुख्य तत्व संदेश यही है कि भारत के सब देशों में बहुत धर्मी मिश्रित अनुशासित समाज वधे फले घर घर में खुशी के दीवे बलन। अज के इस महान दिहाड़े से मीरी पीरी के मालिक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के वलों ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजसी कैदी रिहा करवा के बख्शे बंदी छोड़ सेनात तो सेहत लैन की जरूरत है। पर अफसोस की गल यह है कि साढ़े सिख नौजवान जिड़े लंबे समय तो भारत ने वक् वक् जेलों में 30-35 साल तो बंद ने अदालतों वालों निर्धारित सजावं भी पूरी कर चुके हैं, परंतु भारत सरकार अजे भी उन्होंने रिहा नहीं कर रही। उन्होंने रिहाई के लिए कौम और कौमी संस्थावां संजीदा होने की लड़ है ता जो भारत सरकार ते कौमी पद्धत का दबाव बना के इन्हां बंदी नौजवानों नूं रिहा करवाया जा सके। धर्म हर इंसान के अंतरात्मा का विषय है, इस नूं जबरदस्ती लालच जां गुमराह करके तब्दील नहीं किया जा सकता। सिख प्रचारकां ते संस्थावां संप्रदावां नूं गलत तरीक्यां दे राहीं धर्म परिवर्तन करवाउण वालियां तों सावधान रहना चाहिए। बंदी छोड़ दिवस ते समर्थ संस्थावां अजिहे प्रोग्राम उलीकण जिन्हां दे सदका समुचा सिख समाज गुरबत अनपढ़ता बीमारी अते लाचारी तों बंदी मुक्त हो सके। पिछले समय कोविड महामारी के दौरान पैदा हुए हालातों के कारण लोग आर्थिक ते मानसिक तौर पर पीड़ित रहे हैं। हुण जदों देश विदेश विच लोगों की जिंदगी खुलन लगी है तो साडे लई इस त्रासदी तो उबरन लई एक सिख का दूजे सिख दे नाल सहयोग करना अति लाजमी है। सिख कौम दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाज दे हेठ सादा कदरां कीमतां वाला उच्च पद्धरी जीवन जिउंदिआं मनुखी हक्कां दे लई संघर्ष करदे हुए योजनाबद्ध ढंग दे नाल लोड़वंद ते पीड़ित समाज दे लई मददगार होवे। बंदी छोड़ दिवस ते तत्पर होईए अते अरदास करिए कि अध्यात्मक पक्षों असीं कूड़ ते मनमती रीतां दे बंधन तो मुक्त हो के गुरबाणी की रोशनी दे विच जीवन युक्त समझ अते तारन करके व्यक्तिगत परिवारक अते संगती समूहक रूप दे विच लागू करिए। सरबत्र भला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।